हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं मोमोज स्टीम करके। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आप देख सकते हैं। मैंने ये गाजर को ग्रेट कर लिया है, एक बाउल है, एक बाउल पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, आधा शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, एक बड़ा प्याज मैंने बारीक काट लिया है, ऑयल है, इसी में हमारा थोड़ा सा नमक डल गया, स्वाद के अनुसार हम नमक लेंगे, एक चम्मच ऑयल है, किसके हमने अदरक ले लिया है, 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं, 1 टीस्पून अदरक है किसा हुआ, और पानी है, 1 कप मैदा है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने मैदा में ऑयल डाल दिया है, 1 कप मैदा लेके उसमें ऑयल डाल दिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालें। इसको मिक्स करने के बाद हम पानी से आटा लगाएंगे। ज्यादा आटा गीला ना हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप आटा लगाइए। और हम देखिए इसको ऐसे मसलते हुए स्लैब पर चिकना कर रहे हैं। ऑयल लगा लिया था हमने थोड़ा सा स्लैब पे, फिर से ऑयल लगा लेंगे। सफाई का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे मिक्स करते हुए हम इसको चिकना करेंगे, और ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा आपको डो तैयार करना है। ये देखिए ये हाथ से आप देख सकते हैं सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए जब तक आटा तैयार हो रहा है तब तक हमने ऑयल फ्राई पैन में डाल लिया है। आप देख सकते हैं ये 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले लहसुन कटा हुआ। गैस को लो टू मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम कर ली है हमने और हाई फ्लेम पर इसको इतना पकाया है, और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च कटी हुई, अदरक अभी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो नीचे चिपक जाता है। तो पहले हम सारी सब्जियां हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे, प्याज डाल देंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें डाल रहे हैं पत्ता गोभी। प्याज को भी देखा है ना आपने, ज़्यादा नहीं हमने भुना है। साथ ही साथ गाजर डाल देंगे ग्रेटेड और शिमला मिर्च। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये सब कलर। इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो इनको सारों को हाई फ्लेम पर पकाना है। इसका मेन हमें है कि पानी सुखाना है ताकि जो फिलिंग है उसमें स्टफ करते हुए बाहर ना निकले, मोमोज में स्टफ करते हुए वो बाहर ना निकले, फटे ना मोमोज। तो इसको हम पूरा अच्छी तरह से सुखा लेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और ये ऑलमोस्ट सूख चुकी है, एक बार इसको और मिलाएंगे। थोड़ा डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। इस टाइम मिक्स करेंगे, लग रहा है ना कलरफुल। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, और मैं इसमें अजीनोमोटो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम ये घर में खाने वाले हैं और ये थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं बताते हैं। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में स्ट्रीट फूड वाले जो हैं वो ये यूज़ करते हैं।
स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जो है ना ठंडी हो जाए। ये देखिए मोमोज का जो आटा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी तोड़ेंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है, ठीक है ना। और इस बीच हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है मोमोज को स्टीम करने के लिए, और ये जो जाली है इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, बहुत अच्छे से मैं कढ़ाई में जाली पे रखकर बनाने वाली हूँ। अब देखिए आप इस तरह से हम इसको पतला पतला बेल लेंगे, बहुत पतला बेलेंगे आप, किनारे और बीच में से मोटा ना रहे। ये देखिए ये तैयार हो गया है, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए ऐसे चम्मच से हम स्टफ कर लेंगे इसको, और इसको उठाकर ऐसे सील करेंगे। बहुत आसानी से ये ऐसे सील हो जाएगा और हम पोटली की तरह इसको बनाएंगे, सील करके ऐसे पोटली की तरह। देखिए कितना अच्छा ही लग रहा है, ऐसे हम सारे बना लेंगे। एक और मैं आपको बता रही हूं, थोड़ा सूखा आटा लगा के उसको बढ़ाएंगे, बिल्कुल पतला बेलना है हमें, किनारे बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। और स्टफिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ी कम डालें शुरू में, एक चम्मच स्टफिंग लें और उसको देखिए आप कैसे फोल्ड करना है वो आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसे प्लीट्स डालते हुए चारों तरफ से बंद करना है इसको। ये देखिए सारे मोमोज बनकर तैयार है और अब हम इस प्लेट को कढ़ाई में रख रहे हैं, ये देखिए, और इसको अब हम कवर कर देंगे। कितने अच्छे मोमोज बन रहे हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, हम इसका कवर हटा के देख लेंगे। और आप ये देखिए ट्रांसपेरेंट वेजिटेबल्स दिख रही हैं, ऊपर से स्किन जो है इनकी चेंज हो गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हैं और हमारे मोमोज बहुत बढ़िया बने हैं। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बने हैं, इस टाइप से हम इनको एक एक करके निकालते जाएंगे क्योंकि हमने ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस किया है तो ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है। आप देखिए ट्रांजी हैं एकदम और बहुत अच्छे बने हैं। तो ऐसे करेंगे हम इसकी प्लेटिंग। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप जरूर ट्राई करेंगे। और हाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मोमोज के साथ की चटनी आप रेसिपी उसकी चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।